जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए देखते हैं खबरनामा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से इंडिया को मिली है मदद। ऑक्सीजन PPE किट्स और वेंटिलेटर्स भेजे जाएंगे। पिछले 24 घंटों में इंडिया में 3,52,999 नए केसेस पाए गए हैं और 2,812 लोगों की मौत हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोविड के सेकेंड वेव का जिम्मेदार करार दिया है। कहा कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल मीटिंग्स और रैलीज को रोकने में नाकाम रही है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि 18 से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगी फ्री कोविड वैक्सीन। पिछले एक हफ्ते में अप्रैल 18 से अप्रैल 25 तक कोविड के टोटल केसेस 22,50,000 पाए गए हैं, जिसमें से 89% लोगों की मौत हुई है। गूगल CEO सुंदर पिचाई ने ये कहा कि गूगल की जानिब से इंडिया को 135 करोड़ की कोविड फंड्स दी जाएगी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला और दिल्ली, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा कोविड केसेस पाए गए हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने 14 दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया है और कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र से ज्यादा बुरे हो सकते हैं कर्नाटका में हालात। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि जिस तरह इंडिया ने कोविड के पहले वेव के दौरान यूनाइटेड स्टेट की मदद की थी, हम भी इसी तरह इंडिया की मदद करेंगे। कर्नाटका में 35,500 नए केसेस आए हैं और 143 लोगों की हुई है मौत। आंध्र प्रदेश में 12,635 नए केसेस पाए गए हैं और 79 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में 6,551 नए केसेस पाए गए हैं और 43 लोगों की हुई है मौत। जापान में सभी दुकानें, बार और थिएटर्स को बंद कर दिया गया है कोविड के केसेस को कम करने के लिए। BJP के बंगाल कैंडिडेट पार्नो मित्रा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड के बढ़ते केसेस पर नेदरलैंड ने इंडिया से आने वाले सभी फ्लाइट्स को किया है बैन। श्रीशैलम मंदिर में पुजारी और साठ मंदिर में काम करने वाले लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वहां पर सेक्शन 144 लगा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में अब तक आरोग्य श्री कार्ड से 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने फ्री कोविड का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में कराया है, जिस पर गवर्नमेंट ने 309 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। तेलंगाना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अब तक 700 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सऊदी अरब की जानिब से इंडिया के लिए 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा गया है यहाँ पर। हैदराबाद के MP जनाब असदुद्दीन अवैसी ने कोविड हेल्पलाइन का किया है आगाज और कहा कि 1,40,00,000 अलियत का कोविड रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मजलिस चैरिटेबल एंड एजुकेशन ट्रस्ट और एक्सेस फाउंडेशन की जानिब से। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज। एवरी चाइल्ड सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स हियर लाइक अ मल्टी फेसेटेड डायमंड। एवरी स्टूडेंट हु स्टेप्स इनटू सक्सेस स्कूल shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. Success, finding oneself. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।